होंगे। हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विष्णु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी चर्चा पर। तो डॉक्टर विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कोरोना को लेकर जो है कई सारी बातें निकलकर सामने आती हैं, और ऐसे में जो लोग मोटापे के शिकार हैं, जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, उन्हें खतरा ज्यादा है, तो ऐसे में आपकी टिप्पणी क्या होगी? हाँ, उन लोगों का क्या है कि इम्यूनिटी पावर जनरल लोगों की तुलना में काफी कम हो जाता है, जी इसलिए उन लोगों को इससे ज्यादा खतरा रहेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो और किन किन लोगों को खतरा है, मतलब जो बीमार हैं उनमें से और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन लोगों को ज्यादा खतरा है? आपका जी ओबेसिटी वाला हो गया, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, जी या कोई भी लंग से संबंधित बीमारी हो, उसको अस्थमा की है या ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उन लोगों को ज्यादा खतरा है। जी तो डॉक्टर मिश्रा, इस टाइम पे हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए अपना, जब हम अगर हम ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और ऐसे में कोरोना की बीमारी से भी बचना हो तो खुद के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम? उसके लिए यही है कि अनावश्यक घूमे नहीं, मास्क वगैरह लगाएं, लोगों से बात करते समय दूरी बनाए रखें। अगर यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात की जाए डॉक्टर मिश्रा, तो क्या इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पहले डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी, इनको पहले डॉक्टर से इसके पहले प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा कि डॉक्टर वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेगी? नहीं, डॉक्टर से परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि उसके वैक्सीन के पहले उनका प्रॉपर चेकअप होगा, उसके बाद ही वैक्सीन दिया जाएगा उनको। जी अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो ऐसे लोगों को आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे चैनल यही के माध्यम सुझाव से? दिया जाएगा कि वो लोग बाहर का खाना पीना ना खाएं, जी अनावश्यक घूमे नहीं, लोगों से दूरी बना के रखें, हाथ वगैरह साबुन से धुलते रहें बार बार, मास्क लगा कर ही रहें ज्यादातर। जी जी डॉक्टर रतन, मैं आपके पास आना चाहूंगी।